सी वो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को जरा सी भी घास डालती हो, दो टके की इज्जत नहीं है हमारी पूरी दुनिया में, लेकिन हम चौड़े होते रहेंगे जी ब्रदर इस्लामिक कंट्री, ब्रदर इस्लामिक कंट्री। और ब्रदर इस्लामिक कंट्री क्या होता है वो तो आपको पूछते तक नहीं है, आपकी उनके सामने दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। और इस पे आप खुद पहुंचे हैं इन हालात पे। यानी भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। चले एटम बम भी बना लिया, घास भी खा ली, अब क्या करें। अब आए हैं जी इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के हाथ से कटोरा ही नहीं छूटता। वो सारे टाइम कभी इससे मांग रहे, कभी उससे मांग रहे, कभी उस कंट्री से, कभी उस। अभी सऊदी अरब ने ऐसा करारा हाथ पाकिस्तान के मुंह पे जड़ा है कि लाओ हमारे पैसे वापस करो। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान की हकीकत बयां कर दी। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का कहना है कि हमारी दुनिया में दो टके की इज्जत नहीं है, हमें इस्लामिक देश भी घास नहीं डालते हैं। इमरान खान है कि कटोरा लिए भीख मांगते रहते हैं, पाकिस्तान को भिखारी मुल्क बना दिया है। आप लोग जानते ही हैं कि इतने साल जो गुजर गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, 1947 से लेकर अगर हम 2020 तक का थोड़ा सा जायजा लेते हैं आज, और देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान है क्या ये वही पाकिस्तान है जो मिस्टर जिना ने बनाना चाहा था। जब पाकिस्तान बना उस वक्त की अगर आप बिल्कुल शुरू की अगर आप स्पीचेस उठा के देखें, तकरीरें देखें उठा के मिस्टर जिना की, तो उन्होंने भी यही बात की थी कि यहाँ पे जितने भी मजाहिब के लोग रहते हैं उनको इजाजत है कि वो अपने टेम्पल्स पे जा सकते हैं, वो अपने तरीके से रह सकते हैं। लेकिन सच्ची बात क्या है कि ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताइए कि अहमदीस जो है उनको जब भुट्टो की गवर्नमेंट आई तो उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, मान लिया, हम तो हर किसी को काफिर बताते हैं आपस में भी। हम एक दूसरे को, जो मुस्लिम्स आपस में हैं, हम तो एक दूसरे को भी मुस्लिम नहीं मानते। हर कोई जो है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कुछ है, मुझे तो सारे फिरकों के नाम भी नहीं आते। इसका मतलब है कि मैं तो बिल्कुल ही नालायक हूँ उस सिलसिले में। लेकिन ये जरूर है कि हम एक दूसरे को अपने तौर पे काफिर जरूर समझते हैं। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अहमदीस जो है वो नॉन मुस्लिम है। चले मान लिया, उन्होंने कहा हमने मान लिया, लेकिन भुट्टो ने ये तो नहीं कहा था कि अहमदीस इंसान ही नहीं है, हमने उनको मुसलमान तो किया, हमने तो उनको इंसान समझना भी छोड़ दिया। आज भी मैं न्यूज़ देख रही थी ट्विटर के ऊपर कि एक 60+ उनकी उम्र थी उन साहब की, और उनको मार दिया गया, गोली मार दी गई सिर्फ इस वजह से कि वो अहमदी थे, सिर्फ इस वजह से कि वो उस चीज में बिलीव नहीं करते थे जिसपे आप करते हैं। ये कैसा पाकिस्तान है? इतने सालों में ये कौन सा पाकिस्तान हमने बनाया है? उसके बाद पारसी कहाँ गए? अच्छा जी, हिंदुओं के लिए तो हमारे पास कहानी मौजूद है। हमें कोई पूछे हम कह देते हैं जी हिंदू तो बहुत थे हमारे पास, साथ आए थे हमारे, लेकिन क्या हुआ, बांग्लादेश बन गया और आधे से ज्यादा उठ के बांग्लादेश चले गए। ये झूठ हम हर जगह बोलते हैं, अपने साथ भी बोलते हैं, और अपने साथ जो हमारे साथ लोग बात करते हैं चाहे वो किसी भी मीडिया के हों, बाहर के मीडिया के हों, पाकिस्तान के मीडिया के हों, ये झूठ हम पूरे धड़ल्ले के साथ उनको भी बोल देते हैं कि जी वो हिंदू जो थे ना वो तो जी वहां चले गए बांग्लादेश। चले मान लिया हिंदू बांग्लादेश चले गए, तो फिर मुझे बताइए पारसी कहाँ गए? कराची में पारसी कंपाउंड क्यों खाली है? क्यों पारसी या कोई और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो आके अपनी बात क्यों नहीं कर पाते? और यहाँ पे जो थोड़े बहुत हिंदू रह गए हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? उनका मंदिर नहीं बनने दे रहे? चले मत बनने दे मंदिर, लेकिन आप लोगों ने और क्या किया उनके साथ? पेशावर में और कई जगहों पे उनको आपने शमशान घाट तक नहीं दिया है कि अगर उनके किसी की डेथ हो जाए तो वो अपनी रसूमात तक नहीं कर सकते, उसके लिए उनको कई कई मील दूर जाना पड़ता है, और उसकी आपको कोई शर्म कोई गैरत यहाँ पे नहीं है? क्रिश्चियंस के साथ क्या करते हैं? हिंदुओं का तो बहुत इंडियन मीडिया ने उठाया कि जी हिंदुओं के लड़कियां उठा के ले जाते हैं, साल में 1,000 लड़कियां उठा के ले जाते हैं, जबरदस्ती उनका मजहब बदलवा देते हैं, उनकी शादियां करवा देते हैं। मियां मिट्टू जैसे आदमी के साथ हमारे पॉलिटिशियंस तस्वीरें खिंचाते हैं, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उधर हम कहते हैं नहीं जी वो बच्चियां तो इस्लाम से इंप्रेस हो जाती हैं इसलिए वो ऐसा करती हैं।
तो कोई लड़का इम्प्रेस क्यों नहीं होता, कोई बड़ी उम्र की औरत इम्प्रेस क्यों नहीं होती, कोई बड़ी उम्र का आदमी इम्प्रेस क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं अपने मजहब बदलते, सिर्फ छोटी उम्र की बच्चियां क्यों बदलती हैं। चले हिंदू भी गए साइड पे, अब आ जाए क्रिश्चियंस के ऊपर। क्रिश्चियंस के साथ भी यही कुछ होता है, क्रिश्चियंस की भी लड़कियां उठा के ले जाता है, ले जाई जाती हैं, और उनका भी इसी तरीके से मजहब जो है बदलवा के उनकी भी शादियां करा दी जाती हैं किसी भी मुस्लिम के साथ। उसमें भी हमारा वही स्टेटमेंट है, हम तो बहुत हसीन लोग हैं ना, हमें तो बस देखते ही हर मजहब के लोगों को हमसे प्यार हो जाता है और बस वो हमसे शादियां करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान मर्द घूम रहे हैं सबके सब जो है वो टॉम क्रूज है, कि उनको देखते ही ना सारी नॉन मुस्लिम लड़कियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। शर्म हमें आती नहीं, गैरत का हमें पता नहीं कि वो क्या चीज होती है। हाँ, दूसरे के मजहब में हम जो मर्जी कर लें। एक साहब बैठे थे ट्विटर के ऊपर, और वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड कोई उनके मैं क्या कहना चाहिए, कोई देवता थे या इस तरह की कोई, उनकी पिक्चर फाड़ रहे थे, और बहुत फखर से दिखाया उन्होंने, बहुत चौड़े होकर उन्होंने बताया कि जी ये देखेंगे मैंने उनके, जिनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हिंदू रिलीजन में, उनकी मैं इस तरह से तस्वीरें फाड़ रहा हूँ बैठ के। अगर ये चीज कोई इस्लाम से रिलेटेड कर दे तो इनका फौरन खून खौल जाएगा, ये तो उसके सर की कीमत लगा देंगे और कहेंगे जाओ मारो और जाके तुम्हें जो है जन्नत मिल जाएगी, तुम्हें जो है 70 72 पता नहीं कितनी हूरे मिल जाएंगी। उस वक्त क्या हो जाता है जब दूसरे के लिए जो चीज सोचते हैं वही अपने लिए सोचे ना, या अपने लिए जो समझते हैं कि सही है वही दूसरे के लिए सोचे। इस्लाम तो यही कहता है, इस्लाम ने तो कभी नहीं कहा कि जी किसी दूसरे मजहब की इज्जत ना करो, किसी दूसरे मजहब को जीने की इजाजत ना दो या उनको तंग करो। एक तरफ तो बहुत बड़े बनते हैं और दूसरी तरफ अपनी हालत खुद देख लें। इतने सालों में जो ये अभी आप 14 अगस्त मनाने जा रहे हैं, मुझे 10 कंट्रीज के नाम बता दें, इस्लामिक कंट्री बता दें, छोड़ दें यूरोपियंस को, छोड़ दें किसी और को, काफिरों को तो हम वैसे ही पसंद नहीं करते ना, मुझे बताइए कौन सी वो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को जरा सी भी घास डालती हो। 2 टके की इज्जत नहीं है हमारी पूरी दुनिया में, लेकिन हम चौड़े होते रहेंगे जी ब्रदर इस्लामिक कंट्री, ब्रदर इस्लामिक कंट्री। और ब्रदर इस्लामिक कंट्री क्या होता है, वो तो आपको पूछते तक नहीं है, आपकी उनके सामने 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, और इस पे आप खुद पहुंचे हैं इन हालात पे। यानी भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। चले एटम बम भी बना लिया, घास भी खा ली, अब क्या करें। अब आए हैं जी इमरान खान साहब, इमरान खान साहब के हाथ से कटोरा ही नहीं छूटता, वो सारे टाइम कभी इससे मांग रहे, कभी उससे मांग रहे, कभी उस कंट्री से, कभी उस। अभी सऊदी अरब ने ऐसा करारा हाथ पाकिस्तान के मुंह पे जड़ा है कि लाओ हमारे पैसे वापस करो, और हम उनको क्या कह रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं कि जी सऊदी अरब बहुत परेशान था, सऊदी अरब के पास पैसे नहीं थे, यानी सऊदी अरब हमसे भी ज्यादा परेशान था, सऊदी अरब के पास हमारे से भी कम पैसे थे। हाँ, मैं तो सुन के मुझे तो मतलब मैं तो आंखों में आंसू आ गए, और मैं तो कोई 10 12 घंटे रोती रही हूँ सऊदी अरब के लिए। तो उनको इतनी उनकी हालत खराब हो गई सऊदी अरब की कि सऊदी अरब ने कहा कि जी आप हमारे पैसे दे दें, नहीं तो हम तो मतलब भूखे मर जाएंगे। इन्होंने फटाफट चाइना जो हमारा नया माई बाप है उससे पैसे पकड़े और आगे ले जाके सऊदियों के सामने रख दिए कि जी ये ले। नहीं, अपने करतूत हमने सही नहीं करने, अपने आपने हालत को नहीं समझना, हमने यही करते रहना। क्यों, किस लिए, इसलिए कि यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं जो हाई लेवल के, चाहे वो मिनिस्टर पहले थे, चाहे वो मिनिस्टर अभी है, चाहे वो पार्लियामेंट में पहले थे या अभी है, हर कोई डुअल नेशनलिटी लेके बैठा हुआ है। ये उठाएंगे अपना बैग और पूरे पाकिस्तान को डबो के ये निकल जाएंगे। यहाँ पे रह कौन जाएगा, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, जिनको कोई बाहर की दुनिया में जाना कोई आसान नहीं है, जो के वर्किंग क्लास है। हम अगर काम करेंगे तो हमारा घर चलेगा, हम अगर काम करेंगे तो हम 2 वक्त की रोटी खाएंगे। हम वो वर्किंग क्लास है जिसको ये जलीलो ख्वार करके और ये लोगों ने निकल जाना पतली गली से, कर्जे में कर्जा लेते रहते हैं, हर तरफ से इन्होंने टेंशन मचाई हुई है, हर जगह इनकी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। हाँ, इंडिया के साथ हमारा झगड़ा, इंडिया इंडिया के साथ हमने कभी बात नहीं करनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, चाइना हमारा दोस्त है, चाहे चाइना हमारा बुरा हाल कर दे, हमें कुछ भी कर दे। और इस्लामिक कंट्रीज ये जो हर वक्त कहते रहते हैं कि मीटिंग बुलाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, और जी
सारी इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ खड़ी हैं। मैं आज चैलेंज कर रही हूँ, मुझे बताइए कोई 10 इस्लामिक कंट्रीज बता दीजिए जो आपके साथ खड़ी हो। आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, और आप अपने लोगों को, गवर्नमेंट अपने लोगों को बेवकूफ बनाए चली जा रही है, बनाए चली जा रही है, और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अब 14 अगस्त मनाया जा रहा है, एक दिन सुबह से शुरू हो जाएंगे, 21 तोपों की सलामी हो रही होगी, पटाखे चल रहे होंगे, वजीर आजम आएंगे जिनको सिवाय तकरीरें करने के कुछ आता नहीं है, उन्होंने आके एक जबरदस्त सी स्पीच देनी है जिससे हमारे इधर उधर आगे पीछे सारे जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज है वो कांप जाएंगे, और वो कहेंगे ओ पाकिस्तान ने तो बहुत हमें डरा दिया है। और ये कहेंगे जी कश्मीर हम ले लेंगे, अभी नक्शा हमने बनाया है उसमें कश्मीर हमारे पास है, और इसी तरह की और चीजें और बेवकूफियां करते रहेंगे। तो हमने इतने सालों में क्या देखा, क्या हमें मिला है, और कहाँ हम जा रहे हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। हमारे जो इर्द गिर्द कंट्रीज हैं जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, उनके साथ मुकाबला करना है तो उनके साथ एजुकेशन में मुकाबला करें, इकोनॉमी में मुकाबला करें, किसी काबिलियत वाली चीज में मुकाबला करें,